वो नहीं वो पानी है, हमने जिसका खून न खोला वो नहीं वो पानी है। पंजाब सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, पंजाब सरकार बर्खास्त करो। क्या धरना प्रदर्शन किया गया और क्या पुतला फूंका गया है? कल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पंजाब गए हुए थे, वहाँ पे कांग्रेस सरकार ने साजिश किया, प्रधानमंत्री जो दुर्व्यवहार किया गया, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। राष्ट्रपति से मांग करती हूँ कि पंजाब सरकार तुरंत बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी इतने लोग, देश का प्रधानमंत्री की जिंदगी अगर खतरे में होगी तो आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है? और जिस तरीके से सुबह से पुलिस ने नजर बंद करके रखा था, अगर धारा 144 लगी थी, मैं कह रही थी मैं अकेले दम पे पुतला फूंकूंगी। उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे देखे खींचतान में मेरे कुर्ते फट गए, जिस तरीके से प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है उसकी घोर निंदा करती हूँ। और इसी तरह लखीमपुर कांड में अंगद सैनी ने वहाँ पे साजिश रची थी पंजाब सरकार से मिलके, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के गाड़ी रोकी गई थी, उनके ऊपर हमला कराने का प्रयास किया गया था। उसी तरीके से ये आप पर जो ये धरना प्रदर्शन और पुतला फूंकने के दौरान ये जो हमला जैसा घटना हुई है, किस पर आरोप लगा रही हैं कि कौन है इसका जिम्मेदार और इस तरह की जो घटनाएं हुई? ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। मैं कहती हूँ अगर धारा 144 लगी हुई है तो सब पार्टी पे लगनी चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से मुझे सुबह से 10 बजे से घर पे नज़र बंद करके रखा गया, मैं अधिवक्ता हूँ, पहली चीज़ एक अधिवक्ता को नज़र बंद करने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नंबर दो चीज़, अगर मैंने प्रधानमंत्री के खाते, यानी देश का प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, देश का आम जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? तो इसके लिए मुझे चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मेरे ऊपर गोलियां बरसें, कुछ भी हो, हम उसके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री को कुछ हुआ तो सारी जनता जान देने के लिए। जय हिंद।